No va a ver, ole. Hello. लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोडॉन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी।
पेंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था, जिसके महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं पराली। इनके हमले से बचने के शाकाहारी एंकाइलोसॉरस अपनी पूंछ के गुदकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर ट्रांसफॉर्म 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी रेखा पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंच दिए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। घोड़े के पूर्वज योहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमुर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। टाया ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बर्फ जाए। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाएंगे तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ के चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। रोईदार गेंद, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। उष्णकटिबंध आकार के कोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मेटोलोगी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हीर हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक भारत का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रहों पर हिंदी से देश के कारण मानव की
विचार का और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर